बीबीसी में एक जायजा एक रिपोर्ट पेश हुई है, 27 सितंबर की ही ये खबर है कि एक कंट्री जो कि सुपर पावर है, अगर वो किसी और कंट्री को के लीडर के पास इस तरह पहुंचता है, प्रेसिडेंट बाइडन अगर पीएम मोदी के पास इस तरह जाते हैं और पीछे से उनको अपनी तरफ जो है वो बुलाते हैं और फिर उनसे खुद से बातचीत करते हैं। बीबीसी में एक जायजा एक रिपोर्ट पेश हुई है और वो एक खबर जिसके ऊपर वहाँ पर बहुत डिटेल में उस पर बात की गई। ये जो खबर है ना, ये जायजा जो है ये किसी एक वीडियो क्लिप के बिना पर ये बात की गई है, 27 सितंबर की ही ये खबर है, मैं मुझे बता रही हूँ आपको। और इसमें एक ऐसे वीडियो क्लिप के बिना पर ये जायजा पेश किया गया है कि जिसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन आकर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को मुतवज्जो करते हैं और खुद उनसे मिलते हैं। अब ये क्लिप कहाँ का था, तो इसमें ये बताया गया और क्लिप भी मौजूद है जिसमें बताया गया है कि जून के लास्ट वीक में कॉन्फ्रेंस हुई थी G7 की और उसमें इंडिया ने एक मेहमान के तौर पर शिरकत की थी। तो उस वक्त हुआ ये कि उस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के बीच बातचीत हो रही थी, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो इसी दौरान पीछे से प्रेसिडेंट जो बाइडन आते हैं और वो आकर बाकायदा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को मुतवज्जो करते हैं और उनको बाकायदा उनसे अलेक्सलेक्ट करते हैं खुद से आकर और वार्म वेलकम करते हैं कि एक कंट्री जो कि सुपर पावर है, अगर वो किसी और कंट्री को के लीडर के पास इस तरह पहुंचता है, प्रेसिडेंट बाइडन अगर पीएम मोदी के पास इस तरह जाते हैं और पीछे से उनको अपनी तरफ जो है वो बुलाते हैं और फिर उनसे खुद से बातचीत करते हैं, तो ये वाकई कोई कम बात तो नहीं है, छोटी बात नहीं है। लेकिन इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि आप उसी कंट्री के पास जाएंगे जिससे आपके इंटरेस्ट वाबस्ता होंगे। अब अमेरिका के अगर इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं इंडिया के साथ तो फिर वो ये करेगा। अब देखें ना, हम ये देखें कि काफ़ी ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पर अमेरिका इंडिया की तरफ देखता है, ठीक है। मतलब ये कि कोई कंट्री अगर आपको आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपके उससे मफादात जुड़े हुए हैं, आपके उससे इंटरेस्ट हैं, तो फिर ऐसे कंट्री की तो आपको ज़रूरत होती है। और फिर सबसे बड़ी बात तो ये कि जिससे आपके जो ऐसे इंटरेस्ट वाबस्ता होंगे, आप देख रहे होंगे ये तो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, तो हमें तो इससे बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदे हैं। अभी मैंने आपको ये भी बताया कि iPhone 14 फ्लैगशिप फ़ोन जो है वो अपना उठाकर मैन्युफैक्चरिंग के लिए उधर ले गए, तो क्या ये बड़ी बात नहीं है? तो थोड़ा सा फ़र्क है यहाँ पर, यहाँ पर फ़र्क ये है कि प्रेजिडेंट बाइडन जाकर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को खुद से पकड़ते हैं, जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर को खुद से पकड़ना पड़ता है। भाई जो बड़े कंट्रीज हैं उनको भी तो पैसा चाहिए ना अपने लिए, तो वो कहते हैं कि ऐसे कंट्री से हम ताल्लुकात रखें जिससे हमें भी फ़ायदा हो। तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हमें कोई उस वक्त देखेगा आके और पीछे से आके पकड़ेगा और बाकायदा खुद से आकर हमें वार्म वेलकम करेगा। ये उस वक्त होगा जब दुनिया को ये फिक्र नहीं होगी कि हम इनको पैसा दे रहे हैं, कर्जा दे रहे हैं, वापस भी नहीं मिलना, बल्कि उनको ये होगा कि अगर हम इनको कुछ दे रहे हैं तो हमें इनसे ये मिल रहा है। अब अगर हम पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की बात कर लें तो हमारी तरफ भी अमेरिका को देखना पड़ता है कई मरतबा, लेकिन ये वो नहीं है, ये वो ताल्लुक नहीं बन सकता। ये तो ठीक है उसको करेगा तो वो ऑर्डर दे के रोप करके रोप दे के भी कर लेगा, ये तो ठीक है उसको करेगा तो वो ऑर्डर दे के रोप करके रोप दे के भी कर लेगा, या फिर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपना असलहा बेच देगा हमें कि चलो थोड़ा खुश कर दो, अपने अभी फ़ायदा उठा लो। तो वो नहीं होगा कि जो म्यूचुअल एक बेनिफिट्स होते हैं, एक आई टू आई कि भाई हाँ ठीक है आप भी बड़े हैं हम भी बड़े हैं, हमें आपसे फ़ायदा आपको हमसे फ़ायदा है, तो प्लीज़ ठीक है चलिए आइए मिलकर जो है वो करते हैं। ये वो नहीं है सिस्टम, हमें वहाँ पर पहुँचना है। खैर ये वाली बात जो है वो हमें कैसे पहुंचना है वहाँ पर, हमें ये सोचने की ज़रूरत है। इसकी वजह ये है कि अभी जो हमें हालात नज़र आ रहे हैं उसमें तो कहीं दूर दूर तक ऐसी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही कि हम इस सूरत हाल से बाहर